चलिए, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए, मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है, एसके झा सर का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 8 में बचा हुआ है, यानी 10 क्वेश्चन के आसपास बचा है, आज हम वही करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने सारा पार्ट नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एसके झा ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट का, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि राधिका के पिता की आयु राधिका के जन्म के समय 32 वर्ष थी, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 29 वर्ष थी। किसके? राधिका का जो पिताजी हैं, ठीक है, इसके जन्म के समय उसके फादर का उम्र जो था, यानी फादर का उम्र 32 वर्ष था और मदर का उम्र कितना था? 29 वर्ष था, ठीक है। जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ, यानी जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था, तो उनके माता पिता के आयु के बीच का अंतर क्या था? देखिए, जब राधिका का जन्म हुआ तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 वर्ष था। माता और पिता का उम्र का बीच क्या उम्र था? 3 वर्ष। लेकिन 4 वर्ष पूर्व की बात की गई है, यानी कि 4 वर्ष पूर्व क्या होगा? 3 + 4 यानी कि 7 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि लकड़ी का एक टोकरी जो 2.4 मीटर लंबा, 0.9 मीटर चौड़ा और 1.2 मीटर ऊंचा है, जो 6 सेंटीमीटर चौड़े लोहे के घनों से भरा हुआ है, तो टोकरी में फिट आ सकने वाले लोहे के घनों की संख्या क्या होगी? देखिए, एक तो मीटर में दिया है, दूसरा सेंटीमीटर में दिया है। तो मीटर को अगर मीटर में दिया है, इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे तो मीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में बदल जाएगा। मीटर को 100 से गुना कर देंगे तो ये किस फॉर्म में बदल जाएगा? तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब हमारे पास दिया है लोहे के घनों की संख्या ज्ञात करना है, कितना लोहे का घन आ जाएगा, ठीक है, घनों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? टोकरी का आयतन होगा बट्टे में क्या हो जाएगा? लोहे का टोटल आयतन, एक लोहे का आयतन यही होगा, वही बराबर होगा, है ना। तो चलिए, टोकरी का आयतन क्या हो जाएगा? 2.4 मीटर लंबा है, तो 2.4 इंटू इसे 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर बदल जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे, 0.9 मीटर को 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। फिर है 1.2 मीटर ऊंचा है, तो 1.2 को 100 से गुना करेंगे, ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और नीचे 6 सेंटीमीटर है तो 6 गुना 6 कर देंगे। तो चलिए, अब क्या हो जाएगा? अब हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 गुना, इसको कर देते हैं 9 गुना, इसको कर देते हैं 12 और 1000 इधर अलग से गुना कर देते हैं। बटन में 6 गुना 6 गुना 6, अब देखिए 6 से 24 को 4 बार में काट देंगे, 6 को 12 से 2 बार में काट देंगे, 3 दुनी 6, 3 के 9 और ये 2 से 2 कट गया, 4 दिया 12, यानी कि 12000 संख्या में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 5 घंटा में भर सकता है और पाइप बी को इसे भरने में 6.25 घंटे का समय लगता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा, तो पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोला गया है? पाइप ए की बात की गई है, ये 5 घंटा में भरता है और पाइप बी जो है ये 6.25 घंटे में भरता है।
अब देखिए पांच तो सीधा है तो पांच को पांच ही लिखेंगे, अगर 6.25 को अगर हम लिखें तो इससे 25/4 लिख सकते हैं, 25/4 लिखेंगे, अगर 25 को 4 से भाग दीजिएगा तो 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, 6.25 ही होगा। तो चलिए इसका हम एलसीएम लेंगे, 5 और 25/24 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अगर हम ए की इफिशियंसी की बात करें यानी ए की क्षमता की बात करें तो क्या हो जाएगा, 25/5 यानी ए का इफिशियंसी हो जाएगा 5। अगर बी की इफिशियंसी करूं तो 25/4, 25 से 25 एक बार में कट जाएगा, 4 ऊपर जाके गुना यानी कि इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बी को कब बंद कर दिया जाए जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटा लगा। हमने मान लिया कि ए को हमने कहा भाई तू 3.4 घंटा चल जाए, तो ए जब 3.4 घंटा चलेगा और 5 की एफिशिएंसी से चलेगा तो ये कितना यूनिट, मान लीजिए पानी भरना है तो भर देगा, तो 5 15 5 20 यानी 17 यूनिट पानी भर देगा। अब देखिए टोटल कितना भरना है, तो टोटल 25 यूनिट भरना है और ए ने 17 यूनिट भर दिया तो कितना बचा, तो 8 यूनिट बचा। हमने कहा कि बी भाई अब तू बता अगर तुमको 8 लीटर पानी भरना है 4 की एफिशिएंसी से भरेगा तो इसको कितना देर में भर देगा, तो इसे 2 घंटा में भर देगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा यानी कि वो 2 घंटा में भर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। ऑप्शन देखिए आपका है 8 3 5 0 6, ऑप्शन बी दिया हुआ है 6 5 8 7 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 7 3 7 9 6 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 8 5 4 8 8। किससे विभाज करना है, तो 12 से विभाज करना है, तो 12 का अगर फैक्टर देखें तो 3 और 4 यानी कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज होगा वो संख्या 12 से विभाज होगा, यही है। यानी कि 12 से विभाज होने के लिए 3 से भी विभाज होना चाहिए और 4 से भी विभाज होना चाहिए। और 3 से विभाज का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज है, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज है, 3 से विभाज है तो वो संख्या 3 से विभाज होगी, यही कहता है 3 का नियम। और 4 का कहता है कि अंतिम दो संख्या 4 से जो विभाज है तो वो संख्या 4 से विभाज होगी। 4 से देखिए ये 72 4 से कट जाएगा, 96 4 से कट जाएगा, 88 4 से कट जाएगा, तो 4 वाला तो फॉलो करता है, ये 0 6 भी कट सकता है, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है अब हम 3 को देखेंगे, तो यानी इन सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज है तो संख्या 3 से विभाज होगी, जोड़ेंगे 8 3 11 11 5 16 16 6 22, 22/3 विभाज है नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी देखेंगे 6 5 11 8 19 19 2 21 और 7 28 28/3, ये 3 से भी विभाज नहीं है यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को जोड़ते हैं 7 3 10 7 17 17 9 17 9 26 26 6 26 6 32 यानी कि 32/3 यानी कि ये भी विभाज नहीं है। जब 3 संख्या विभाज नहीं है तो चौथा तो हमारा ऐसे ही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि विभाज का नियम के फॉलो कर रहा है कि नहीं। 8 5 13 13 4 17 17 8 25 25 8 33 यानी कि 33/3 यानी कि 11, ये संख्या 11 बार में विभाज हो गई यानी कि यही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 1:3 है तो उनके शीर्ष लंब किस अनुपात में होंगे। देखिए कभी भी दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अगर जिस अनुपात में होता है
उसका शीर्ष लंब भी उसी अनुपात में होता है, उसकी माध्यिकाएं भी उसी अनुपात में होती हैं। तो अगर 1:3 में अगर असंगत भुजाएं हैं तो उनका शीर्ष लंब भी क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब भी 1:3 में ही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये समरूपता का नियम जो है, समरूप का नियम यही कहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि 11, 7, 10, 13 और 9 का मानक विचरण निकालना है। ठीक है, तो मानक विचरण निकालने से पहले इन सभी का हम पहले माध्य निकालते हैं। क्या निकालेंगे, सबसे पहले माध्य निकालेंगे। माध्य क्या हो जाएगा, 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 9, यानी कि सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या कितना है, 5। अब जोड़ देंगे, 7 एक 8, 8 ग्यारह 9 20 के 0, हाथ में 2, 2 एक 3, 1 4, 1 5, यानी कि 50/5, यानी कि माध्य इसका 10 आ गया। अब मानक विचलन कैसे निकालेंगे, मानक विचलन जब निकालना है हमको तो क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स आई, ये जो संख्या को मान लीजिए, अगर हम एक्स आई मान लें, समेशन ऑफ एक्स आई, और ये हमारा माध्य क्या है, मान लीजिए एक्स बार मान लिए, तो एक्स बार का होल स्क्वायर बटा टोटल नंबर, यही मानक विचलन होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, इसको मिटा दीजिए, इससे हमको नहीं लेना है। सबसे पहले क्या कीजिए, माध्य निकालिए, इसको अंडर रूट लीजिए, उसके बाद ये दी गई जो संख्या है ना, इसको इससे घटाइए, 11 में से 10 घटा के जोड़िए, फिर 7 में से 10 को घटा के जोड़ दीजिए, फिर 10 में से 10 घटाइए, इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, फिर आप 13 में से 10 घटाइए, इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, फिर 9 में से 10 घटाइए, 9 माइनस 10, इसका स्क्वायर करके, और नीचे जो संख्या दिया है वो हमारा संख्या 5 है। अब देखिए, अंडर रूट 11 में से 10 जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 7 में से 10 गया माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 13 में से 10 गया 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 10 गया 1 का स्क्वायर 1, और बट्टे में कितना है 5। अब इसको 9, 9, 18 और 2, 20, अंडर रूट 20/5, यानी कि 4, अंडर रूट 4 बराबर, यानी इसका मानक विचलन क्या हो जाएगा, उसका मानक विचलन 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, मानक विचलन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि समेशन ऑफ xi मतलब जो संख्या दिया है उसमें से जो आप माध्य निकालते हैं उसको घटा के स्क्वायर करते आपको जोड़ देना, ये समेशन का चिन्ह है, यानी कि जोड़ का चिन्ह है, और ये n जो है नंबर ऑफ टर्म, यानी कितना संख्या दिया है, यानी कि संख्या 1, 2, 3, 4, 5 दिया है, बस उसको 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है, जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भी भागना आरंभ कर दिया, यानी सिपाही उसको जैसे पकड़ने की कोशिश किया, चोर भागना शुरू कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ देखा, यहाँ से यहाँ का बीच कितना है, 100 मीटर, यहाँ पे क्या है, सिपाही है, यहाँ चोर है, यानी कि 100 मीटर दूर चोर दिखाई दिया सिपाही को। अब जैसे ही सिपाही चोर की तरफ भागता है, चोर भी क्या करता है, भागना शुरू कर देता है। तो सिपाही जी किस स्पीड से भागते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भागते हैं, और चोर भागता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यही क्वेश्चन में दिया गया है। तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब मान लीजिए ये 100 मीटर है, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है, और हमसे मीटर में पूछ रहा है, तो 10 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं, तो कर देंगे 2 9 18 2 5 10, यानी कि 25/9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 25/9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दरोगा जी चले हैं, और चोर साहब कैसे चले हैं, 8 गुना
पांच बार 18 यानी कि 4 × 2 = 8 और 2 × 9 = 18 यानी कि 20/9 m/s से। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि कब पकड़ा जाएगा, समय इन दोनों के बीच में समय हमको कहीं नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको सिपाही जी का समय निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी हमारा क्या है सिपाही जी के लिए, दूरी है 100 प्लस x बटे चाल क्या है 25/9, यहां से समय क्या हो जाएगा 9 चला जाएगा ऊपर, 9 × 100 + x/25। अब चोर के लिए समय क्या होगा, समय बराबर दूरी, दूरी इसका कितना है x है, यहां से भागना शुरू किया है x और चाल हो गया 20/9, 9 चलाएगा ऊपर 9x/20। अब इन दोनों चालों को हम बराबर कर देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, तो चलिए 9 × 100 + x/25 बराबर कर देंगे 9x/20 के, 9 से 9 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 50 25, 5 × 20 ये चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 5x और ये 4 से गुना हो जाएगा तो 400 + 4x, 4x इधर आके x हो जाएगा, तो x बराबर 400 m, यानी कि 400 मीटर चलने के बाद चोर क्या हो जाएगा पकड़ा जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसमें बैठा एक यात्री देखता है कि समांतर पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यानी मान लीजिए दो ट्रेन है, एक तो इधर से जा रही है और दूसरा इधर से आ रही है। ठीक है, एक इधर से जा रही है, दूसरा इधर से आ रही है। ठीक है, अब 8 सेकंड में 9 सेकंड में पार कर जाती है, यदि मालगाड़ी की लंबाई 280 मीटर लंबा है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, यही होता है चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो 280 मीटर लंबी है, 280 मीटर लंबी है, 9 सेकंड में पार करती है और ऊपर वाला किलोमीटर दिया है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए, 9 × 2 = 18, 5 से कटेगा 50 25 और 5 × 6 = 30, ये आपका कट जाएगा 2 × 6 = 12, 2 हाथ में 1, 2 × 5 = 10, 11, 112 मीटर, 112 km/h इसका क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा। अब दूसरा कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बस 112 में से 50 घटा दीजिए यानी कि 62 km/h, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, दर। जब दर निकालने की बात की जाए तो दर बराबर गुनी माइनस 1/T × 100% कर देना है। क्या करना है, 100% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यही पे टी पूछे, तो टी को इधर भेज देंगे, दर को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये पूछता है, अगर टी पूछे तो करेंगे गुनी माइनस 1/100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ दर निकालना है, तो दर पे काम करते हैं, कितना गुनी हो गया, तो 2 गुनी, तो 2 - 1 कितने बरस में, तो 8 बरस में, कितने बरस में, तो 8 बरस में, तो 8 × 100% परसेंटेज निकालना है, तो 2 × 1 = 1/8 × 100%, अब क्या हो जाएगा, इसे 4 से काट दीजिए, 4 × 8 425 यानी कि 25/2% यानी कि 12 × 1/2% हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज
ब्याज कितना है 120 रुपया है। तो एक वर्ष का कितना होगा, तो एक वर्ष का हो जाएगा 120/2 यानी कि 60 रुपया। ठीक है, एक वर्ष का हमारे पास कितना हो गया 60 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 124 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखिए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए एक साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अनुपात होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो 60 रुपया मान लीजिए एक साल का साधारण ब्याज हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा 64 रुपया, तब जाके ये 124 रुपया है, तो कितना का बढ़त हुआ, 4 रुपया का बढ़त हुआ है, किस पे, 60 रुपया पे। तो 100% पे निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 1 = 0, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, यानी कि 20/3 यानी कि 6.2/3% इसका रेट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6.2/3 यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।